हाय ऑल, आज से हम लोग टंग डायग्नोसिस स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम टंग डायग्नोसिस को डिटेल में समझेंगे। टंग डायग्नोसिस का ये पहला क्लास है जिसका यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियो मिल रहा है। इसके बाद से हम इसे एक कोर्स के रूप में लाएंगे जिसका बहुत नॉमिनल चार्ज होगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स टंग डायग्नोसिस की बहुत बारीक बारीक जानकारियाँ मिलेंगी। टंग डायग्नोसिस एक ऐसा डायग्नोसिस का माध्यम है जहाँ पर आप टंग को देख करके पूरे बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है ये पहचान सकते हैं। मतलब एक फुल बॉडी चेकअप है सिर्फ टंग डायग्नोसिस। इसी तरीके से पल्स डायग्नोसिस भी होता है। अगर दोनों को समअप कर दें तो हम ओवरऑल बीमारियों के बारे में पहचान सकते हैं। टंग डायग्नोसिस अकेले सिर्फ सभी बीमारियों के बारे में नहीं पहचान सकता, उसके साथ हमें पल्स डायग्नोसिस को भी मर्ज करना होता है। मगर टंग से हमें मैक्सिमम 80% ऑफ डिजीजेस के बारे में पता चल जाता है सिर्फ टंग को देखकर। तो टंग की जो ये डायग्नोसिस की विद्या है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है जो हर इंसान को जानना भी चाहिए, साथ ही साथ एक बहुत सीरियस टॉपिक भी है। मतलब एक बहुत फोकस वाला टॉपिक है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान को केंद्रित करके, एक वन पॉइंटेड फोकस करके सीखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे दिमाग में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिसे हटाना ज़रूरी है। सबसे पहला बैरियर है साइनस, शर्म, जो हमें चीज़ों को सीखने से रोकता है। शर्म बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं अपने से छोटे से कैसे सीखूं, या फिर शर्म इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैं सवाल पूछूं तो कहीं ये कुछ बुरा तो ना मान जाए, या फिर क्या लोग सोचेंगे, मैं इतना भी नहीं जानता। इस तरह की शर्म हमें सीखने नहीं देती। जिस भी लेवल का सवाल आए आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर, उस चीज़ को नहीं सीख पाने का डर। ये हमें सीखने नहीं देता। हम सीखने से पहले ही, अपना 100% देने से पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं ये हमें इसका कहीं हमें रिजल्ट तो ऐसा नहीं होगा, नहीं मिले। तो ये फियर हमें रोक देता है आगे सीखने से। नेक्स्ट है नो क्लियर गोल, हम उस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं, इसका कोई गोल ही क्लियर नहीं है हमारे माइंड में, तो भी हम उसको नहीं सीख पाते लास्ट तक, अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है। पहले तो मैं चाहूँगा कि सब कोई अपने अपना एक कॉपी बनाए और उसमें पहले ही लिखें कि आप ये टंग डायग्नोसिस सीखना क्यों चाहते हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा। आप अपने बॉडी का तो चेकअप कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने घर वालों का, अपने पेशेंट्स का, अगर आपने क्लिनिक किया हुआ है तो अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स लोग का टंग डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री थॉट, अगर हमारे ब्रेन में पहले से ही कुछ थॉट है इस टंग डायग्नोसिस को लेकर के, तो वो भी हमें सीखने नहीं देगा। हम पहले से ही जो भी मैं बताऊंगा उसे हम अपने दिमाग में अलग ही इंटरप्रेट कर रहे होंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन है, अलग ही उसे कुछ अलग हम नाम देते जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैं रियलिटी में बताना चाहता हूँ वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पहले से जो प्री थॉट है उसे हमें छोड़ना होगा। उस समय हमारे दिमाग में वो नहीं चल रहा होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ उसे। अगर आप समझें, बाद में अगर वो सही लगे तो आप उसे रखो, नहीं तो उसे निकाल दो माइंड से, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट चला गया है तो भी हम उसे नहीं सीख पाते। अगर हम किसी चीज़ को जब हम नया नया सीखना चालू करते हैं तब तो हमारा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हर समय वो उसमें हर चीज़ हमें रिफ्रेशिंग लग रहा होता है, नया लग रहा होता है। मगर धीरे धीरे करके वो हमें पुराना लगने लग जाता है और हम उसे छोड़ते जाते हैं। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी इंसान लास्ट तक उस चीज़ का 100% नहीं सीख पाते। तो 99% पीपल इसी की वजह से फेल हो जाते हैं या फिर नहीं सीख पाते चीज़ों को। तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने इस जो मैं अभी पूरे कोर्स को सिखाने वाला हूँ उसमें ये बैरियर्स नहीं आने देना है। नेक्स्ट है एक स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर कोट है, तो मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर करूं। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको शरीर के तौर पर वीक कर रही है, माइंड के लेवल पर वीक कर रही है, आपके दिमाग को कमज़ोर बना रही है, या फिर स्पिरिचुअलिटी के तौर पर। स्पिरिचुअली मतलब क्या होता है, अपने स्पिरिट को जानना, अपने आप को जानना, खुद को जानना, इसके बीच में अगर कोई भी चीज़ बैरियर बन रहा है तो वो एज अ पॉइजन है जिसे आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। रिजेक्ट करना मतलब उसका लिटरल मतलब ये नहीं है कि उसे सच में छोड़ देना है और घर से छोड़ के चल जाना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको उसको माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे पकड़ के नहीं रखना है, थॉट के लेवल पे उसे छोड़ देना है।
जो भी आपको आपके फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल के रास्ते में आपके आ रहा है और आपको कमज़ोर बना रहा है। नेक्स्ट हम टंग डायग्नोसिस का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले एक छोटे से चीज़ों छोटे से फैक्ट से इसे स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, हाँ, ये फैक्ट कुछ ऐसा है कि हमारा जो टंग है ये एक फिंगरप्रिंट की तरह है। जिस तरीके से हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरीके से हर इंसान का टंग का प्रिंट भी अलग अलग होता है। हर टंग अलग कुछ कहता है, ठीक है, मतलब कि हर टंग का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अलग है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पहले इन और यांग देखेंगे, मतलब हमारे टंग में किस तरीके से हम टंग को देख के पहचान सकते कि इन एक्सेस है या यांग एक्सेस है, इन ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे हमारे टंग में होते हैं, यांग ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब से हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको टंग का तीन पार्ट समझाने वाला हूँ, जहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को अपर बर्नर बोलते हैं। अगर आप इसमें देखो ध्यान से तो दिस वन इज़ अपर बर्नर, यहाँ पर उसके नीचे है मिडल बर्नर ये वाला, और उसके नीचे है लोअर बर्नर ये वाला। इसमें कुछ इमेजेस मिसिंग है, जैसे यहाँ पे अपर बर्नर में आप देखो हार्ट और लंग है, तो हार्ट और लंग तो यहाँ पे सही है, जैसे आप यहाँ पे देखो अपर बर्नर हार्ट एंड लंग्स, ये हार्ट और लंग्स तो सही है, ठीक है। फिर मिडल बर्नर आप देखो यहाँ पे स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारे टंग के ऊपर स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे क्या कंडीशन है वो पता चलता है। अगर यहाँ पे कुछ डाइवर्जन आ रहा है, क्रैक आ रहा है, ये सब हम एक एक करके समझेंगे। कलर में कुछ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम यहाँ से देख के समझते हैं कि टंग के इस पोजिशन पर कि हमारे बॉडी में क्या फ़र्क हो रहा है। लोअर बर्नर जो एकदम पीछे साइड में है यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पे हमें लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर को भी यहीं पे ले लिया गया है। एक्चुअली में लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे टंग के साइड में होता है, उसका करस्पॉन्डेंस इधर साइड में, इस जगह पे लीवर और गॉल ब्लैडर का कंडीशन हम समझ सकते हैं यहाँ से देख करके। तो ये ओवरऑल तीन बर्नर में डिवाइड किया गया है टंग को, अपर बर्नर, मिडल बर्नर और लोअर बर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्रिंसिपल्स हम देखेंगे टंग डायग्नोसिस का, जो जो हमें ध्यान रखना है। जैसे टंग अगर लेफ़्ट साइड डाइवर्ट हो रहा है तो राइट साइड में पैरालिसिस या विंड स्ट्रोक होने का चांसेस है, अगर राइट साइड डाइवर्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड में होने का चांस है, और अगर लेफ्ट साइड डाइवर्ट हो रहा है तो राइट साइड में होने का चांस है, ठीक है। तो ये सब हम प्रिंसिपल्स में देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टंग डायग्नोसिस में। नेक्स्ट हम देखेंगे टंग का बॉडी कलर और उसका शेप। यहाँ पे कुछ 5 पिक्चर्स मैंने लिए हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इस वाले में कोटिंग बहुत ज़्यादा है टंग के ऊपर। कोटिंग क्या होता है, उसके ऊपर जो वाइट वाला लेयर है ये किसी किसी पर्सन का येलो भी हो जाता है। ये कोटिंग होता क्या है, स्टमक से हमारा भाप निकलता है, जो हम खाना खाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होने की वजह से उससे स्टीम निकलता है, वो आकर के हमारे टंग के ऊपर बैठता है, इस लेयर की वजह से कोटिंग बनता है। और ये कोटिंग का कलर, अगर कोटिंग के कलर को देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बॉडी में किसी पैथोजेनिक फैक्टर का अटैक तो नहीं हुआ है, ये सब हमें पता चलता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कोटिंग बहुत कम है और रेड कलर है टंग बॉडी का, यहाँ पर साइड साइड में बहुत ज़्यादा रेड है। तो ये सब क्या बताता है हमारे बॉडी के बारे में, ये हम समझेंगे। नेक्स्ट है टंग का कोटिंग। अभी मैंने बताया कि कोटिंग क्या होता है, स्टमक में जो फूड मिल रहा है उसके बाद जो उसका भाप निकलता है वो टंग के ऊपर आके बैठता है, उससे ही कोटिंग बोलते हैं। तो हर कोटिंग कुछ कहता है, कोटिंग ड्राई हो सकता है, कोटिंग पूरा अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है टंग के ऊपर ऐसा हो सकता है, कोटिंग सिर्फ पीछे साइड में बहुत ज़्यादा, आगे में एकदम माइनर हो सकता है। तो इस तरीके से हर कोटिंग का मतलब कुछ है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आगे की वीडियोज़ में एक एक करके समझाया जाएगा। नेक्स्ट है कुछ हम प्रैक्टिकल टंग भी लेंगे, जिसको हम डायग्नोस करेंगे हमारे क्लास के अंदर। तो अगर आपको किसी भी टंग को डायग्नोस करवाना है अपना, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो, मेल आईडी मैं आपको बाद में शेयर करूँगा जब हम प्रैक्टिकल कोर्स में आएंगे तब। नेक्स्ट है कि हम टंग को कैसे, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हम टंग को ले रहे हैं डायग्नोस करने के लिए। तो इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा आर्टरीज़ है,
मेन आर्टरी जो हार्ट से आता है, ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से एक मेन आर्टरी जिसको बोलते हैं डीप लिंगुअल आर्टरी, ये आकर के हमारे टिप ऑफ द टंग पे मर्ज होता है, जिसकी वजह से हम टिप को देख करके, टंग के टिप को देख करके हार्ट का कंडीशन बता सकते हैं कि हार्ट पे क्या हार्ट में क्या इश्यू है, हार्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो इससे बोल इस आर्टरी का नाम है डीप लिंगुअल आर्टरी। तो हार्ट के ब्लॉकेजेस, हार्ट में ब्लड का स्टैग्नेशन, ये सब सब पता किया जा सकता है टंग के टिप को देख के। इस तरीके से बाकी भी क्रॉस्पॉन्डेंस है टंग के ऊपर, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है, ये जो नॉलेज है ये बहुत पुरानी है। एक्चुअली में ये ओरेकल बोन इंस्क्रिप्शंस है, जहाँ पे हड्डियों के ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता था। तो ओरेकल बोन इंस्क्रिप्शन में आर्कोलॉजिस्ट लोग ने ये पता लगाया है, टंग डायग्नोसिस उस समय से चला आ रहा है। इस पे चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है टंग के बारे में। तो उस समय के लोग भी टंग डायग्नोसिस करते थे, ये आज से करीब 5000 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से एक इंसान जो देख रहा है पिक को, उसे 4 लॉग्स नज़र आ रहे हैं, एक तरफ से जो देख रहा है उसे 3 नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 है या 3 है, रियल में अगर आप देखो तो ये 4 भी है और इस तरफ से देखोगे तो 3 भी है, क्योंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें 4 और 3 दोनों नज़र आ रहा है। मगर हम उस साइड से खड़े होकर देखेंगे तो हम फाइट करने लग जाएंगे, हम बोलेंगे ये 3 ही है। और अगर कोई लेफ़्ट साइड से खड़े होकर देख रहा है तो वो फाइट करने लग जाएगा ये बोल के कि हम ये 4 ही है। बट ना तो ये 4 है ना 3 है, ये दोनों है। इस चीज़ का समझ हमें यहाँ पे भी चाहिए कि जब हम टंग डायग्नोस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि पर्सन किस एंगल से देख रहा है टंग को। हमें अपने एंगल को जस्टिफाई करने में नहीं जाना है, हमें उसके नज़रिए को भी समझना है और उसे समझ करके अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होगा, तो हमें उसे समझना है, ना कि अपने आप को अपने गलत को जस्टिफाई करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो ये मैंने ब्रशअप किया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं मेन कोर्स में आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि किस तरीके से हमें टंग डायग्नोसिस करना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।